पेरिस में आज से जलवायु परिवर्तन पर शिखर सम्मेलन का आगाज होगा। इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पेरिस पहुंच चुके हैं। पेरिस समिट का मकसद है दुनिया के औसत तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस के इजाफे को रोका जाए, जलवायु परिवर्तन पर एक वैश्विक समझौता हो। इस समझौते को औपचारिक रूप से COP21 के तौर पर भी जाना जाता है। भारत ने सम्मेलन के लिए 8 लक्ष्य तय किए हैं। इनमें ग्रीन हाउस गैसों में से एक, कार्बन उत्सर्जन में 33 से 35% कटौती, 2030 तक 40% बिजली सोलर और विंड एनर्जी से पैदा करने का फैसला किया गया है। पेरिस समिट से एन पहले अमेरिका ने भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भी की। जॉन केरी ने एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार को दिए इंटरव्यू में चीन की भूमिका की तारीफ की और भारत के संदर्भ में चिंता जाहिर की। केरी ने कहा, विकासशील देश भारत को ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि भारत को इस मुद्दे पर धमकाया नहीं जा सकता। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान कुछ संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। ये लोग विकसित देशों की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले 208 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस कार्रवाई का भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर विरोध किया और पेरिस की पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। नेपाल और भारत के बीच तल्खी और बढ़ गई है। रविवार को हथियारों के साथ अपने देश की सीमा में घुसने के आरोप में नेपाल पुलिस ने सशस्त्र सीमा बल के 13 जवानों को हिरासत में ले लिया। हालांकि 6 घंटे बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया। SSB के जवान तस्करों का पीछा करते हुए नेपाल की सीमा में पहुंच गए थे। इस बीच भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे 50 माओवादियों को भी नेपाल पुलिस ने कुछ देर के लिए हिरासत में लिया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने राजनीति से संन्यास के संकेत दिए हैं। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में पर्रिकर ने कहा कि 60 साल की उम्र रिटायरमेंट की उम्र मानी जाती है और 13 दिसंबर को वो 60 साल के हो रहे हैं, इसलिए पिछले 2-3 साल से राजनीति से संन्यास लेने की सोच रहे हैं। ऐसे में किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए वो खुद को तैयार नहीं मानते। पर्रिकर ने दोबारा गोवा का CM बनने की ख्वाहिश भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि छोटे राज्यों में अच्छे नेता की कमी होती है। अगर गोवा की सरकार गलत राह पर जाएगी तो उन्हें दुख होगा। मैं गोवा के निवासियों को यकीन दिलाता हूं कि गोवा पर मेरा पूरा ध्यान है और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में BSF के एक जवान समेत 2 को गिरफ्तार किया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक BSF की खुफिया इकाई में तैनात हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद, आर्मी एयरफोर्स समेत सुरक्षा बलों के मूवमेंट से जुड़ी जानकारी हैंडलर कफायतुल्ला खान के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को शेयर कर रहा था। रजौरी में रहने वाला कफायतुल्ला जम्मू से भोपाल जाते वक्त ट्रेन से गिरफ्तार किया गया तो उसकी निशानदेही पर रजौरी से अब्दुल रशीद की गिरफ्तारी की गई। दिल्ली के तिलकनगर इलाके में हत्या की एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। 27 नवंबर को गुरनाम नाम के 19 साल के एक लड़के की हत्या का खुलासा हुआ कि दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए हत्या की साजिश उसने खुद रची थी। साजिश के मुताबिक उसने गगनदीप नाम के अपने दोस्त से कहा था कि वो उसे चाकू मारकर जख्मी कर दे ताकि दो पक्षों को उसमें फंसाकर उनसे मोटी रकम वसूली जा सके। लेकिन जख्मी गुरनाम की अस्पताल में मौत हो गई। जिस पक्ष को गुरनाम फंसाना चाहता था उसके साथ 25 नवंबर को उनकी मारपीट हुई थी। पुलिस ने गगनदीप को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में एक बारात में दूल्हे दुल्हन के परिवार वाले फोटो खिंचवाने में बिजी रहे और इसी दौरान बदमाशों ने उनकी ज्वेलरी और कैश से भरा बैग उड़ा दिया। हालांकि चोरी की ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है, लेकिन 22 नवंबर को हुई वारदात के आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि बैग में करीब 2.25 लाख रुपए कैश, ज्वेलरी और शगुन के तौर पर मिले नकदी के लिफाफे थे। दिल्ली के रोहिणी में पति ने अपनी पत्नी को मंदिर की नुकीली घंटी से इस कदर मारा कि वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। पड़ोसियों ने आरोपी पति को पहले तो पकड़कर जमकर पीटा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। रोहिणी के सेक्टर 21 में रहने वाले कमल किशोर का अपनी पत्नी से किसी बात पर झगड़ा हो गया था। झगड़े के बाद पत्नी फूल कुमारी अपनी बहन के घर आ गई, लेकिन पीछे से कमल किशोर भी वहां पहुंच गया और कमरा बंद कर उस पर घंटी से दर्जनों वार किए। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने दिल्ली की महिला सुरक्षा के नाम पर नई रिसर्च जारी की है। रिसर्च के मुताबिक राजधानी की 62.80% महिलाएं खुद को इस शहर में असुरक्षित मानती हैं। सिर्फ 14.60% महिलाओं ने खुद को सुरक्षित माना है। रात में बाहर निकलने से दिल्ली की 84.20% महिलाएं डरती हैं।
यूपी के संभल में चुनाव ड्यूटी में आए पीएससी के प्लाटून कमांडर फूल सिंह राणा का शव मंडी समिति परिसर में मिला है। बताया जा रहा है कि 8वीं बटालियन के प्लाटून कमांडर फूल सिंह राणा रात में खाना खाने के बाद करीब 9 बजे टहलने के लिए निकले थे। इसके बाद कंपनी के सभी सिपाही सो गए। सुबह फूल सिंह राणा का सीयूजी नंबर किसी और आदमी ने उठाया जो मंडी समिति परिसर से बोल रहा था। जब पीएससी जवान मंडी पहुंचे तो प्लाटून कमांडर फूल सिंह राणा का शव खून से लथपथ मिला। उनके सिर पर कई जगह चोट के निशान थे और धारदार हथियार से वार किया गया था। राजस्थान के सिरोही में कलेक्टर वी सरवन कुमार और कांग्रेस के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा के बीच जमकर तू-तू मैं-मैं हुई। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने कलेक्टर को मूर्ख तक बोल दिया। इसके बाद गुस्साए कलेक्टर ने पूर्व विधायक को अपने दफ्तर से बाहर कर दिया। विधायक का आरोप था कि कलेक्टर जनता की समस्याएं नहीं सुनते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक गाय तस्कर को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक थानेसर इलाके में तस्कर एक छोटे से ट्रक में गायों को भरकर ले जा रहा था। खबर मिलने पर पुलिस ने ट्रक को रुकवाने की कोशिश की तो तस्कर ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में तस्कर मारा गया। कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र के अस्वारमऊ गांव में नील गाय का शिकार कर रहे लोगों की जीप कुएं में गिर गई। घटना में जीप में सवार 3 शिकारियों की मौके पर मौत हो गई जबकि 3 अन्य लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों को हमीरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान के अलवर के बहरोड इलाके में नेशनल हाईवे पर गुंती गांव के पास एक ट्रक ने केमिकल से भरे टैंकर में टक्कर मार दी जिससे टैंकर में अचानक आग लग गई और हाईवे जाम हो गया। हादसे में टैंकर चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची लेकिन तब तक टैंकर जलकर खाक हो चुका था। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आगरा के थाना रकाबगंज इलाके के बिजली घर के चौराहे के पास उस वक्त लोगों में अफरा तफरी मच गई जब इलाके में बनी जूते और कपड़े की मार्केट में आग लग गई। आग में जूते और कपड़े की करीब आधा दर्जन दुकान आग की भेंट चढ़ गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। असहिष्णुता को मुंहतोड़ जवाब देते हुए बरेली में मुस्लिमों ने 50,000 रुपए देकर जेल में बंद 15 हिंदू कैदियों को आजाद कराया। ये सभी लोग बिना टिकट यात्रा करने जैसे छोटे मोटे अपराधों में जेल में बंद थे। इलाके के मुस्लिमों ने चंदा कर इन लोगों की जमानत ली और जुर्माना भरा। जेल से छूटे सभी कैदियों ने छुड़ाने वाले मुस्लिमों का शुक्रिया अदा किया। राजधानी समेत उत्तर भारत में ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी है। इसी के साथ कोहरे का असर भी दिखने लगा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में धुंध की चादर और घनी हो गई है। अगले 24 घंटे मौसम के लिहाज से भारी रहेंगे लेकिन 2 दिसंबर के बाद बारिश से प्रदूषण के स्तर में कटौती का अनुमान है। चेन्नई में एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु में अगले 24 घंटे में जोरदार बारिश हो सकती है। दक्षिण के कई राज्यों में पिछले कई दिनों से बेमौसम बारिश हो रही है। दिल्ली में एक साथ निकली हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के 51 दूल्हों की बारात। लाडली फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। मशहूर बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा है कि ममता बनर्जी कांग्रेस नेता पी चिदंबरम से सीख लें। ममता बनर्जी ने तस्लीमा के लिखे एक टीवी सीरियल को साल 2013 में प्रसारण से रुकवा दिया था। तस्लीमा ने कहा कि ममता को पी चिदंबरम की तरह अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक विवादित बयान दिया है। हरियाणा में आईपीएस संगीता कालिया और मंत्री अनिल विज विवाद पर बोलते हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हम लोग जनता की आवाज हैं जबकि अफसर जनता के सेवक, उन्हें हमारी बात माननी चाहिए। अगर वो सक्षम नहीं तो उन्हें उठाकर हमें लगाओ, हम बेहतर काम करके दिखाएंगे। मेरा ये मानना है कि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, लाखों लोग हमारे को वोट देते हैं और हम जो बोलते हैं वो लोगों की आवाज। पब्लिक डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंसेस कमेटी में एक मंत्री लोगों के ग्रीवेंसेस की रिड्रेसल के लिए जाता है और जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो लोगों। अंबाला पुलिस ने नकली नोटों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को धर दबोचा है जिनसे 15,00,600 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। आरोपी नकली नोटों की खेप सप्लाई करने अंबाला आए थे। शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने कबूला है कि वो खुद नकली नोट छापते थे। अंबाला पुलिस का दावा है कि दिल्ली से गिरोह के तार जुड़े हैं।
गाजियाबाद के विजयनगर में एक कॉलेज में चौकीदार की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। उसका सिर कुचलकर और गला काटकर हत्या की गई। जांच में सामने आया है कि स्कूल के ताले टूटे हुए थे। स्कूल संचालक का कहना है कि रविवार की रात रविंदर स्कूल में अकेला था। हत्या की वजह का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। कानपुर में एक मॉल में काम करने वाली लड़की ने जब छेड़खानी की शिकायत पुलिस से की तो नाराज आरोपियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। 3 दिन पहले लड़की ने 2 लड़कों के खिलाफ पुलिस को जानकारी दी थी। तब पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय आरोपियों को थाने बुलाकर समझौता करा दिया था। उसी से नाराज लड़कों ने बीच सड़क पर लड़की को पीटा। अब पुलिस आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। फतेहाबाद की एसपी रही संगीता कालिया का फर्जी फेसबुक आईडी बनाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक पंचकुला का पता देकर नई आईडी बनाई गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं, पर आरोपी का पता लगाने के लिए पुलिस टीम जुट गई है। 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ विवाद के बाद एसपी संगीता कालिया सुर्खियों में आई। हालांकि अब उनकी जगह ओपी नरवाल को नया एसपी बनाया गया है। थाने में एयर इंडिया के कॉल सेंटर पर कॉल कर प्लेन हाईजैक करने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मध्य प्रदेश के हरदा का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद उसके परिजन उसे बेगुनाह बता रहे हैं। घरवालों के मुताबिक उसने मजाक में ऐसा किया होगा। 28 नवंबर को एयर इंडिया के कॉल सेंटर पर धमकी दी गई थी। फिलहाल युवक से पूछताछ की जा रही है। जींद में एक फर्नीचर व्यापारी के घर घुसकर 4 नकाबपोश बदमाशों ने डकैती डाली। सभी आरोपी छत का दरवाजा तोड़कर मकान में घुसे, फिर कमरे में सो रहे व्यापारी के बच्चों को बंधक बना लिया और डकैती करनी चाहिए। लेकिन व्यापारी और उनकी पत्नी ने आरोपियों का बहादुरी से मुकाबला किया और आरोपियों को छत से कूदकर भागना पड़ा। पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपियों की तस्वीरें कैद हो गई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के उरई जिला कारागार में बंद विचाराधीन कैदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उस पर 4 लोगों की हत्या का केस चल रहा था। बताया जा रहा है कि अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसका जिला कारागार में ही इलाज कराया गया, लेकिन हालत नाजुक होने की वजह से जिला अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। बाड़मेर में एक युवक के शव मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दर्जन भर लोगों को हिरासत में ले लिया है। परिजन कार्रवाई होने तक शव ले जाने को तैयार नहीं है। क्रिकेट को अलविदा कहने वाले वीरेंद्र सहवाग को कोटला टेस्ट के आखिरी दिन सम्मानित किए जाने की तैयारी है। 3 दिसंबर से सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच खेला जाना है। हालांकि सहवाग को सम्मानित किए जाने के संबंध में DDCA को फिलहाल BCCI के निर्देशों का इंतजार है। नागपुर की पिच को लेकर शुरू हुए विवाद पर भारत के टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री ने कहा है कि अगर 3 दिन में ही टेस्ट मैच खत्म हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। गौरतलब है कि नागपुर में हार के बाद दक्षिण अफ्रीका ने पिच पर सवाल उठाए थे। 4th और आखिरी टेस्ट मैच के लिए आज भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें दिल्ली पहुंचेंगी। मंगलवार को कोटला में प्रैक्टिस सेशन होगा। आखिरी टेस्ट मैच के लिए पिच पर हर किसी की नजर होगी। क्रिकेट इतिहास का पहला डे नाइट टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। मैच के 3rd दिन न्यूजीलैंड 3 विकेट से हार गया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। 9 विकेट लेने वाले हेजलवुड मैन ऑफ द मैच बने। वेस्टइंडीज के ऑफ स्पिनर सुनील नरेन का गेंदबाजी एक्शन फिर नियमों के खिलाफ पाया गया है। ICC ने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में गेंदबाजी करने से उन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर रविवार को रफ्तार के रोमांच के साथ ही हजारों दर्शकों ने देखे कारों के स्टंट्स। आखिरी रेस के साथ ही JK नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप का साल 2015 का सीजन खत्म हो गया। विष्णु प्रसाद ने इंडिया सीरीज का खिताब जीता। अपनी फिल्म TE3N की शूटिंग के दौरान कोलकाता में अभिनेता अमिताभ बच्चन स्कूटर चलाते दिखे। राज्य सचिवालय, रॉयटर्स बिल्डिंग और विक्टोरिया मेमोरियल के आसपास बिग बी काफी देर तक स्कूटर चलाते नजर आए। उन्हें देखने के लिए प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ी। निर्देशक सुजॉय घोष की इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अहम किरदार निभा रहे हैं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक शाम रही गायक और अभिनेता लकी अली के नाम। कल उन्होंने सुर संगीत का ऐसा रंग जमाया कि उनकी सूफियाना आवाज की जादू के दीवाने खुद को भूल गए। फिल्म तमाशा में भी लकी अली ने AR रहमान के साथ काम किया है और अपनी आवाज दी है।